स्टार और ब्लास्टर एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.1 इज एक्सरसाइज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 एडिशन। एडिशन मींस सम। आप ऑलरेडी जानते हैं सम्स किसको कहते हैं। सम्स बोलते हैं किसी भी नंबर को, इन्हीं टू नंबर्स को, थ्री नंबर्स को आपस में क्या करना, प्लस करना, जोड़ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज नंबर है 3.1। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ किए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 सो द फॉलोइंग सम्स से, जिसमें ए एंड एफ टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सो द फॉलोइंग सम्स ऑल्सो मैंने यहाँ पे भी टू क्वेश्चन किए हैं, बी और ई। तो आप बहुत ध्यान से इनको समझेंगे और उसके बाद आप उनको करना स्टार्ट करेंगे। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सोल्यूशन मैसेज के द्वारा कॉल से दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, ये नंबर है आपके पास में 1346 और 8532। तो आपको क्या करना है, इनको सम्स करना है, ऐड करना है दोनों को। तो ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे डिजिट के नीचे आपका डिजिट होना चाहिए। ओके, डिजिट के नीचे आपका डिजिट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिए हैं, जैसे वंस इनको वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इस तरीके से फॉर्म्स में आप डिजिट के नीचे आप डिजिट उसमें लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 प्लस 2 हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप एडिशन करेंगे तो एडिशन आप हमेशा वंस के नंबर से करेंगे। जो भी वंस के नंबर होंगे उसके पास टेंस के, उसके बाद हंड्रेड, देन थाउजेंड, जितने भी आपके पास नंबर गिवन हो आप उसके बेसिस पे सब टोटल वर्क करेंगे, ऐसे एडिशन करेंगे आप। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 6 प्लस 2 आपको पता भी है, आपके पास टू मेथड से अगर आप जानते हैं डायरेक्टली के टू 6 प्लस 2 कितना हो सकता है, अगर आप उसको विद फिंगर, विद हेल्प ऑफ फिंगर भी आप उसको कर सकते हैं। या फिर एक तरीका आपको मैंने बताया था, वो होता है लाइन्स का। आप नंबर लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे 6 है और 2 है, 6 1 2 3 4 5 6, और कितने नंबर उसमें ऐड करने हैं आपको, 2 1 2। चलो आप काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपके पास नंबर आ जाता है और 8 नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे आगे फिर इसका आप समझ करेंगे। टेंस का, टेंस के जो डिजिट हैं, चलिए कैसे करते हैं। 4 और 7 कितना, 6 और 3 7 होता है, तो आप 7 का 7 आप यहाँ पर लिखिए। 3 और 5 कितना होता है, 8 5, या तो आप 3 5 लिख दी काउंट कर लो उनको, या 3 5 या 5 3, तो फिर भी आपका सम एक ही आएगा 8। उसके बाद 8 1 9। ओके, समझ आया ना। इसके बाद 5 4 9, 5 3 8, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 6 2 8, 7 2 9। ओके, यहाँ पे सम्स आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, इसमें कुछ आपको कैरी भी मिल सकता है, देखते हैं या नहीं मिलता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। 4 2 4 6 6 6 6 2 8 6 2 8, 5 3 8, ये 0 है, 6 3 9, 5 का 5। देखिए इसमें कैरी नहीं आया, सो 4 3 7 7 1 8, 5 1 6 6 2 7, 2 3 5 5 4 9, 4 3 7। तो देखिए कहीं भी आपको कैरी भी नहीं मिला है और आपके सम्स भी हो गए हैं। समझ आ रहा है ना, मैं क्वेश्चन देखी तो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको पता करने में कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, यानी पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलम्स में इनको अरेंज करना है, उसके बाद आपको इनको ऐड करना है। तो कॉलम में अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है 1421 एंड उसके साथ है 2366
67। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये नंबर और ये नंबर, दो नंबर आपके पास है, दोनों नंबर से आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। अरेंज करने के बाद में क्या करना है, इनको दोनों को ऐड कर देना है आपको। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। क्यों? क्योंकि आपको कॉलम में लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर आप बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे, तब देन उसको क्या करेंगे, उसको सम करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, ये 1400 है और ये 2300 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, बड़ा नंबर ये होगा ना, 2367 नंबर बड़ा होगा। तो आप ग्रेटेस्ट नंबर को ऊपर लिख लेंगे 2367, उसके बाद 1421। ओके, अब इनको क्या कर देंगे आप, सम्स कर देंगे। अरेंज कर लिया आपने कॉलम में, अब आप इनको क्या करेंगे, सम्स कर देंगे। सम्स का तरीका वही है, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, वन से आप स्टार्ट करेंगे, वन टेंस हंड्रेड और देन थाउजेंड, लास्ट में सेवन वन एट, सेवन के बाद क्या आता है एट, तो एट सिक्स टू एट, थ्री फोर सेवन और टू वन थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका ई, क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई में देखिए आप क्या दिया है आपको, नंबर ई 6230 एंड 357 56 एंड 13। इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले रीअरेंज करना है, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले आप, मैंने आपको बताया था तरीका वही, आप सबसे पहले बड़ा नंबर देखेंगे कौन है, उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। चलिए 6230 है, सिर्फ छोटा कौन सा है, अभी देखिए डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। आप जब भी ऐसी कोई नंबर कॉलम में लिखते हैं तो आप वन से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसका वन क्या है 6, टेंस क्या है इसका 5 और 3 क्या है इसका 100, तो प्लस आप कर देंगे इनको, देन उसके बाद 13 भी आपके पास, 13 का वंस क्या है 3 और टेंस क्या है 1, तो आप इनको ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए 6 3 9 6 3 9, 5 8 1 9 अगेन 3 2 5 एंड 6, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चंस करते रहे हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।